पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों द्वारा शाखा लगाई गई, ध्वजारोहण भी किया गया। समिति की बहनों द्वारा प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय सेविका समिति की महानगर कार्यवाहक का कमलेश गोयल द्वारा सभी अतिथियों को मंचासीन कर उनका स्वागत किया गया। ऋचु गोयल द्वारा अतिथि परिचय दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रुचि चौधरी, मुख्य वक्ता पूनम गुप्ता, विशिष्ट अतिथि आशा सक्सेना, मुख्य अतिथि मीना गुप्ता रही। मुख्य वक्ता द्वारा संक्रांति पर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन कर रही रीना गोयल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही सामूहिक गीत प्रस्तुत किए गए। ध्वजारोहण के साथ शाखा विकीर्ण की गई। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण हुआ। सभी ने खिचड़ी व गुड़ से बने व्यंजन का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमिता गोयल, सलोनी गोयल, नीरू, पूनम रस्तोगी, आशा सक्सेना, राजरानी, विनोद गोयल, मिथिलेश पाठक आदि उपस्थित रही। स्कूल में कार्यक्रम ये मकर संक्रांति के बारे में बता रहे हैं सब, उसको कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व बताया है सब। और ये राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से हम लोग ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद ये खिचड़ी उचड़ी का एक घंटे बाद हम लोग इस खिचड़ी का कार्यक्रम करेंगे। सब बच्चे को खिलाएंगे और जितनी हमारी सेविकाएँ आए हैं सब हमारी सब खिचड़ी एक साथ बैठकर सब रास्ता का सब ये दिखाएंगे कि हम एक साथ सब मिलकर खाते हैं। इसमें ऊंच नीच कुछ नहीं होता, हमारा जात पात कुछ नहीं होती है, सब एक साथ एक समान होते हैं इसमें हमारे सब। और बताएं मैम, मैसेज क्यों देने जाएंगे समाज को? समाज को मैसेज ये दे रही हूँ कि ये समाज को मैसेज मैं ये दे रही हूँ क्योंकि ये ऐसा है कि हमारे यहाँ एक समरसता का सबको एक सम जैसे खिचड़ी दाल चावल और तिल और गुड़ का ये एक सब सामंजस्य हो जाता है, एक रूप हो जाता है। उसी तरह हमारा अपने जीवन में भी अपने सामूहिक संगठन में भी समरसता का विभाव होना चाहिए, एक सबकी एक वाणी होनी चाहिए, एक विचार होने चाहिए, ये हमारा अनुभव है।